तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और यदि बच्चों आप चाहते हो कि आपका त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के आपके कक्षा सातवीं का विषय आपके अंग्रेजी का जो पेपर आपका यहाँ पे होने वाला है आपका आज अभी अभी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कब होगा आपको? 27 आपको सितंबर को। कब होगा? 27 सितंबर को। तो 27 सितंबर के पेपर में आपको यहाँ पे पूरे 50 में से 50 आपके पूर्णांक आपके यहाँ पे मिले, आपके 50 नंबर मिले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। तो ये पूरा पेपर आपको यहाँ पे देखना है, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे रेडी करके जाना है, क्योंकि पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है और आपका ये पेपर आपका वायरल हो रहा है बहुत तेजी से। तो आपको एक एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, इनके आपके हर एक क्वेश्चन के आपको मैं आंसर आपको देने वाला हूँ। वीडियो आप तक आपको लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपके टोटल इसमें आपके हर एक आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन आ रहा है इसके साथ आपका यहाँ पे लास्ट में आपका जो आपके यहाँ पे ऐसे आ रहा है, इन सभी के आंसर इस वीडियो पर आपको मैं प्रॉपर आपको देने वाला हूँ। तो आपको मेरे पास यहाँ पे आंसर भी आपका लिखा हुआ हर एक क्वेश्चन का मेरे पास है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है इसमें आएगा, क्या आएगा आपको यहाँ पे आता है चूज द करेक्ट आंसर, आपको यहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है आपको, यहाँ पे लिखा है रैबिट लॉस्ट हिज आपका व्हिसल, तो आपको क्या ऑप्शन दिया है, इन द नाइट या फिर आपका इन द इवनिंग या फिर आपका एट नून या फिर इन द मॉर्निंग, ठीक है। देखिए आपको सिंपल तरीके से इनका आंसर करना है, आपको यहाँ पे पहले का आंसर आपको यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका देखिए क्या होगा, इन द आपका मॉर्निंग होगा, कॉपी पर लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन हु इज द नोन एज द मैग्नेटिक मैन, ठीक है। तो मैग्नेटिक मैन के नाम से किसे जानते हैं, क्या आपका फ्रांसिस्को होगा या फिर आपका लिथोलिन होगा या फिर आपका थॉमस एडिसन होगा। तो इन्होंने आपका बल्ब का खोज किया था, ठीक है, थॉमस एडिसन। और आइंस्टीन कौन थे, आइंस्टीन ने यहाँ पे ऊर्जा का नियम आपका दिया गया था। तो आपको आंसर आपको यहाँ पे ए नंबर लगाना है, कौन सा हो जाएगा आपका ए, आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन तीसरा आपको यहाँ पे दिया गया है द लेसन इज द इन द फॉर्म एन ऑटोबायोग्राफी बिकॉज इट इज अबाउट, ठीक है। पहला ऑप्शन द टी होगा या फिर आपका द श्रब दैट टॉक अबाउट इट सेल्फ होगा या फिर आपका यहाँ पे द प्लेस ऑफ द कंट्री। तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तीन ऑप्शन बताना है आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, द श्रब दैट टॉक अबाउट इट सेल्फ, ठीक है, आपको आंसर ये लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, पिगलेट वेंट टू सी द रैबिट, ठीक है। तो बिफोर लंच या फिर आपका देखिए पिगलेट यानी क्या होता है, सुअर का बच्चा। तो वह यहाँ पे आपको गया और क्या रैबिट को कब देखा, क्या उन्होंने क्या लंच के पहले देखा या फिर लंच के बाद देखा या फिर लंच यानी ब्रेकफास्ट में देखा दोपहर को या फिर ये रात को यानी डिनर, आपका रात का भोजन होता है डिनर, ठीक है। आपको आंसर यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है, यहाँ पे आपका हो जाएगा आफ्टर आपका लंच हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए पांचवा, द वीब्रेज टी इज मेड फ्रॉम, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे आपका टी होता है वो किससे बनता है, तो यंग शूट्स और लीफ से या फिर आपका यंग रूट से बनता है, ठीक है, जवान आपके यहाँ पे जड़ों से या फिर उसके आपके फलों से या फिर आपका उसके बीज से। तो आप जानते हैं पत्तों से बनता है, किससे बनता है, आपको यहाँ पे आपके जो पत्तियां होती हैं आपका उससे बनता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा आता है, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है आपको, राइट वर्ड मीनिंग एनी फाइव, आपको कोई पांच करना है जैसे बोकअप, ड्रंक, पाइल, पिगलेट, पाम और श्रब या हनी, ठीक है। इसका आपको मीनिंग बताना है, मीनिंग मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे आपका अर्थ होता है, जैसे आपका बात करें बोकअप का क्या होता है, तो बोकअप का आपका यहाँ पे हो जाएगा बोक, ठीक है, ये आपका होता है बेकअप होता है उसको बोकअप बोलते हैं, आपका ये होता है आपका जागना, ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे आपको जागना करना है। इसके बाद जैसे क्या लिखा है, ड्रंक लिखा है, तो ड्रंक आपका क्या होता है, आपका ये होता है ड्रंक यानी आपका यहाँ पे होता है आपका, देखिए क्या होता है ड्रंक यानी आपका यहाँ पे पीना होता है। इसके बाद देखिए आपका लिखा है पाइल, ठीक है, तो पाइल यानी क्या होता है आपका यहाँ पे, आपका बवासीर होता है, आपको आंसर इसको याद करके रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे लिखा गया है आपका पिगलेट, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो आपका पिगलेट लिखा है तो पिगलेट का क्या हो जाएगा, क्या आप जानते हैं, तो पिगलेट यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन का आपको मैं आंसर दूंगा, तो पिगलेट का आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका झाड़िया हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे झाड़िया करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका लिखा गया है आपका कौन सा बचा आपका यहाँ पे, देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा पाम, तो पाम आपका जो होता है ये आपका होता है आपका वेर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद श्रब लिखा है, तो श्रब आपका यहाँ पे एस एच आर यू बी, श्रब यानी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, श्रब यानी होता है आपका, सिंपल तरीके से आपको बताना है आपको क्या हो जाएगा आपका, सुअर का बच्चा, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए सुअर का आपका बच्चा हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आपका लिखा गया है
कौन सा बचा आपका हनी, तो हनी का आपका क्या हो जाएगा, हनी का आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका सहज जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे तीसरा। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अपोजिट आपको जेंडर बताना है। तो देखिए अंकल का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आप बताइए क्या होगा, आपका आंटी होगा, तो आंटी आपका यहाँ पे स्पेलिंग आपको लिख देना है। इसके बाद एक्टर का आपका यहाँ पे एक्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें अपोजिट बताना है, यानी कि आपका क्या होगा, आपका अभिनेता का आपका अभिनेत्री हो जाएगा, सर का आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका मैडम हो जाएगा, और इसके बाद देखिए आपका हीरो का हो जाएगा आपका यहाँ पे हीरोइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बीच के यानी आपका कुतिया होता है, तो डॉग यानी आपका यहाँ पे आपका कुत्ता हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपके ढाई नंबर क्वेश्चन थे, आपके आधे आधे नंबर क्वेश्चन थे। इसके बाद देखिए गिव अप द प्लूरल नंबर, आपको इनका प्लूरल यानी आपका यहाँ पे बहुवचन बताना है। के का हो जाएगा आपका कीज हो जाएगा, एस जोड़ दीजिए, वाइफ का हो जाएगा डब्ल्यू आई वी ई एस। ठीक है, आपका वाइफ हो जाएगा आपका एफ या एफ ई हटकर आपको वी ई एस लगेगा इसमें आपको प्लूरल में, और बॉयज का हो जाएगा आपका यहाँ पे बॉय, आप इसमें एस जोड़ दीजिए, और आपका यहाँ पे डीआर का हो जाएगा, देखिए डीआर यानी हिरन, तो डीआर से यानी आपके हिरने आपका। इसके बाद देखिए फिश का हो जाएगा आपका फीसेज हो जाएगा। ठीक है, आपको ई एस जोड़ना पड़ेगा, और इसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखिए, मड आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, कौन सा आंसर होगा, तो देखिए मड आप यहाँ पे जो लिखा है, तो मड आपका कहाँ पे होता है भाई साहब, आपका मड निकलता है यानी मिट्टी आपका होता है आपका फील्ड में। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर आपको आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे फील्ड करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए फोर्टी यानी क्या हो जाएगा, फोर्टी यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा, फोर्टी आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका सिंपल तरीके से देखिए आपको लिखाना है, आपको यहाँ पे लेग्ड हो जाएगा। ठीक है, लेग्ड आपको आंसर लगाना है। इसके बाद देखिए मैग्नेटिक आप क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक आपका यहाँ पे जो हो जाएगा आपका आपका ये फील्ड हो जाएगा, और इसके बाद देखिए आपका ईडी। इसके बाद देखिए थ्री क्या होगा, थ्री का आपका यहाँ पे आपका सेवन ही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे लिखा गया है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको आपको लिख देना है, आपको जो बचेगा इसमें आपको क्या बचेगा आपको इसमें बताना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बोर्ड लिखना है। ठीक है, और बोर्ड के बाद आपको यहाँ पे कंपाउंड बनाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हेड होगा, तो आपका हेड का आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपका मिस्ट्रेस लिखना पड़ेगा, मिस ट्रेस आप लिख दीजिएगा। इसमें देखिए रेलवे, तो रेलवे का क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे सिंपल रखिए आपको स्टेशन। ठीक है, आपको इसमें स्टेशन लिखना है, और इसके बाद देखिए कैसेट क्या होता है, तो कैसेट आपके यहाँ पे प्लेयर हो जाएगा। ठीक है, प्लेयर, और इसके बाद देखिए प्लेयर हो गया। इसके बाद क्विज का, क्विज यानी आपका होता है कॉन्टेस्ट, तो आपको यहाँ पे क्विज का आपको यहाँ पे आंसर कॉन्टेस्ट लिखना पड़ेगा। और इसके बाद डिटर्जेंट क्या होता है, आपका एक पाउडर होता है, तो आपको यहाँ पे आंसर आपको लगा देना है, तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, आपके सारे आंसर हो गए। इसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन पांचवा आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है, तो इसका आंसर आपका ये पांच नंबर क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे छह दिया है, क्या दिया है, राइट ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पे पांच आपको दिए गए हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सात से लेकर, आपको क्वेश्चन नंबर सात से लेकर आपके यहाँ पे पूरे आपके पहला देखिए, दूसरा, तीसरा, और इसके बाद चौथा है, पांचवा है, छठा है, और सातवा। ठीक है, आपको इनका आंसर आपको मैं आपको जल्दी ही दूंगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आठवा, आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना है थ्री डेज आपका सिक के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, भाई साहब आप बीमार हो चुके हैं, तो इसका आंसर देखिए आपको आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, आपको यहाँ पे आस्किंग थ्री डेज लीव के लिए आप लिख दीजिए टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, आपको यहाँ पे रायपुर लिख दीजिए। ठीक है, आप जो भी आपका यहाँ पे जगह हो लिख दीजिए। इसके बाद ग्रांट मी थ्री डेज लीव ड्यू टू आपका सिकनेस, यहाँ पे लिख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर लीव भी लिख सकते हैं। और इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू टू रिस्पेक्ट आई वेक स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट थ्री डेज कंसिस्टेंटली, आई एम नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर थ्री डेज। आपको यहाँ पे डेट लिख देना है, थैंकिंग योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, या फिर अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है, योर ओबीडेंटली करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर, आपको यहाँ पे ये कर देना है। तो प्रॉपर आपको आंसर इसमें आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे लास्ट दिया है, क्या दिया है आपको यहाँ पे, आपको एक ऐसे लिखना है, किसमें लिखना है आपको, एनी फेस्टिवल के बारे में, या फिर माय स्कूल के बारे में, या फिर आपको काउ के बारे में। तो आपको यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कौन सा आपको यहाँ पे कोई फेस्टिवल के बारे में। देखिए
आपको यहाँ पे एनी फेस्टिवल के बारे में आपको लिखना है तो आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। आप यहाँ पे चाहो तो इंट्रोडक्शन आप छोटा छोटा यहाँ से लिख पर आप चाहो तो यहाँ लिख दो। इसके बाद आपका मेन फेस्टिवल ऑफ इंडिया आप यहाँ पे कर दीजिए। जैसे दिवाली होता है तो दिवाली के बारे में आपको दो चार लाइन आपको यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद देखिए होली के बारे में आप यहाँ से लेकर आप चाहो तो जितना चाहो दो लाइन तीन लाइन चार लाइन आपको यहाँ पे लिख देना है। और इसके बाद जैसे आपका रक्षाबंधन भी होता है तो रक्षाबंधन के बारे में आप यहाँ तक लिख सकते हैं थोड़ा सा। और इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आपको कंक्लूजन आपको लिख देना है। आपको ऐसे करके हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हमने आंसर बताया और जो आपके क्वेश्चन के आंसर बचे हैं अगले वीडियो पर आपको प्रॉपर आंसर एक से लेकर आपको मात्र इतना ही बचा है, ठीक है। ये वाला आंसर, ये वाला और आपका यहाँ पे ये वाला, तो इनके आंसर हम आपको जल्दी आपको दिखा देंगे। बहुत सिंपल आंसर है, चाहो तो आप खुद से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।